हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप गाइस आप सब लोग ठीक होंगे। फिलहाल भाई आज दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो सुबह सुबह मुझे ड्यूटी दे दी थी, अदरक खोदनी पड़ेगी। तो हम दोनों भाई जा रहे हैं अदरक खोदने के लिए और मम्मी भी आ रही है। तो भाई घर में रहो ना, तो फिर काम वाम करने ही पड़ते हैं, तो खेतों में जाते हैं, बढ़िया अदरक खोदते हैं और फिर आते हैं घर को। इसको हाल चलते हैं भाई, बढ़िया से अदरक खोदते हैं। पापा भी गए हैं और देखते हैं, जो भी काम हुआ आपको ब्लॉग में दिखाई देगा। भाई ये आवाज़ सुन रहे हो आप, ये कीड़ा है भाई, ये पूरा हिला देता है जंगल को। पता नहीं कौन सा कीड़ा, बट कीड़ा इतना सही होता है। तो बढ़िया, बर्थडे भी हो गया अपना, तो यार जैसे एज भी बढ़ती बढ़ती जा रही है, पता नहीं कब तक रुकेगी, नहीं कब तक रुकेगी, मतलब ये कुछ पता नहीं, भगवान करे रुके ही ना, चलते जाए चलते जाए। तो अभी हम चलते हैं फिलहाल। तो गाइस देखो कैसा दौड़ के आ रहा है इसका। तो गाइस पापा ने, आप देख सकते हो, बहुत सारे आम के पेड़ लगाए थे, बट आज तक इनमें फल नहीं आया। पापा ने पेड़ जो लगाए ना, वो तो हो चुके हैं, देखो इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, बट इन्होंने फल नहीं आ रहा है भाई। बहुत पहले लगाए थे, मुझे आज भी याद है। तो दो तीन खेतों में ऐसे पेड़ हमारे लीची और आम के, बट इनमें फल नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। जबकि खाद भी हम इनको प्रॉपर देते हैं, मतलब बढ़िया हो चुके हैं पेड़, बट क्यों नहीं आ रहा है भाई। कोई सजेस्ट करना भाई, कैसे इनको, इनकी ग्रोइंग और बढ़ाई जाए, वरना खाद हम प्रॉपर देते हैं इनको। बट ये कि यहाँ का थोड़ा एटमॉस्फेयर और वेदर कंडीशन के हिसाब से भी ऐसा हो जाता है, बट पेड़ अच्छे होने देख के अच्छा लगता है कि इतनी मेहनत की थी उस टाइम पे, बढ़िया पेड़ हो गए। तो गाइज ये अदरक खोदनी हमको, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है। मम्मी लग चुकी है अपने काम में, भाई जल्दी जल्दी दोनों भाई हम खोद देंगे और उसके बाद मम्मी को भी फ्री करेंगे, यहाँ से खोद के सीधा घर लेके आएंगे। तो ज़्यादा अच्छी तो हुई नहीं अदरक, देखते हैं अब खोदेंगे तब पता चलेगा कैसी हुई है। और वहाँ अब्बू अपने काम में लग चुका है, अब्बू को भी बहुत खिलाना है, वहाँ चाची अपना काम कर रही है, तो भाई हम भी अपना काम करते हैं जल्दी से। ये हीरा दी की चर्चाएँ, ज़बरदस्त चर्चाएँ हीरा दी की। हीरा दी भी आज अपना खेत जुताने के लिए लाई है किशन को। भाई खेत तो जोतने पड़े हैं, जब से ट्रैक्टर आया ना बहुत आसान हो गया भाई खेत जोतना। तो जल्दी जल्दी मम्मी काट देगी, फिर हम भी जोत के घर को जाएंगे। भाई देख रहे हो आप, समझ सकते हो, आईटी कंपनी में जॉब करने वाला लड़का भी सारे काम करता है भाई, घर आता है तो ये भी करता है, पर जॉब अपनी जगह, घर का काम अपनी जगह। तो घर आओ तो काम करना पड़ेगा, भले आप माइक्रोसॉफ्ट में जॉब भी नहीं करते हो। तो गाइस फिलहाल दूसरी गस्सी भी आ गई है, अब मैं कार्य शुरू करता हूँ अपना, भैया अकेला के लिए अभी खोद रहा था, तो दीदी लोगों को ही बुला लिया थोड़ी हेल्प करने के लिए मम्मी ने। तो जल्दी जल्दी से काम करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइस फाइनली खेत खोद दिया है, देखो यहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे ख़त्म, और हमारा काम भी ख़त्म, उनका काम भी ख़त्म। अब चलेंगे सीधा घर की ओर। लाला अदरक देख लो कैसी हुई है, ये देखो, ये देखो। अब मेरी मम्मी ये नहीं कह सकती कि अदरक ख़राब हुई है, क्योंकि अदरक जाएगी मम्मी की सोने की भाव में। क्या बोलती हीरा दी, अदरक तो जाएगी रे, ऐसी अदरक नहीं जाएगी तू। पर मतलब ये तो नहीं कह सकती ना कि मतलब अदरक खराब हुई है, खाली भी लोग कहते जैसे, ऐसा नहीं कह सकती मम्मी कि इस बार अदरक खराब हुई है, क्योंकि अदरक बहुत बढ़िया हुई है। तो फिलहाल अदरक अच्छी हुई है, अब हमें जाना है घर की ओर इसको ले जाके, और हमारे पेड़ ऐसे हुए, देखो पेड़ बहुत अच्छे हुए। तो फिलहाल चलते हैं। सो गाइस फिलहाल थोड़ी बहुत अदरक लेके मैं भी अब घर की ओर निकला हूँ, पीछे भैया भी आ रहा है, तो अब तो जाना ही पड़ेगा। और ये जा सकता ले एक अदरक का, तो चलते हैं और घर पहुँच के मिलते हैं आपसे। सो गाइस फाइनली खेत से वापस आ चुके हैं और बढ़िया से अपना लंच भी हो गया, फ्रेश फ्रेश हो चुके हैं। तो अभी थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे और शाम को देखते हैं, कहीं जाने का प्लान होता है तो आपको दिखाई देगा। तो भाई घर में चलिए साफ सफाई, देखो सब सामान ऐसे पड़ा है।
तो फिलहाल जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइज, फिलहाल घर पे साफ सफाई का काम चल रहा है। रेखा लोगों के यहाँ पेंट हो रहे हैं और पारस को यहाँ तोता बना दिया। देखो आप, कलर भी तोते कलर का और पारस को भी तोता बना रखा है 3 दिन से। कुछ कहना चाहेंगे आप? अपने सपनों को बयां करो। है दो तो पारस कहने लायक ही नहीं है बचा है भाई। इतना सुबह से शाम तक बेचारे को पेल रखा है और तोता बना दिया है। कलर देखो आप कैसा लग रहा है। तो फिलहाल अभी हम तो रेस्ट करेंगे भाई, ये थोड़ी देर और तोता बनेंगे, पता नहीं शाम तक बनेंगे, और हम रेस्ट करते हैं। जब पूरा फाइनल हो जाएगा ना तो फिर आपको दिखाऊंगा। इसकी वजह से मेरा बोर्ड का काम भी रुका हुआ है, जल्दी से ये काम हो जाएगा तो फिर बोर्ड का काम भी आगे चलेगा। सो गाइस, जहाँ पे मैंने छोड़ा था ना दिन में, मैं सो सा के आ चुका हूँ, ब्लॉग एडिट करके आ गया हूँ। ये दोनों आज भी वहीं पे पहुंचे। तो गाइस, खाना भी बनाना होता है घर के और काम भी है, कि यही काम भी है। पारस को तो कौवा बना रखा है बेचारे ने, खेत भी जुता दिया। हालत ऐसी कर रखी है। और ये सो गाइस, हर जगह दिवाली की तैयारी चल रही है। देखो रवीना ने भी है बहुत सारी ऐपन बना दी है। और ये देख सकते हैं आपको, ये देखो ये रवीना ने बनाई है भाई, मतलब दिवाली आ गई है। ये वाली वाइब अब घर में दिखाई दे रही है। तो फिलहाल हम कुछ काम कर लेते हैं, ये अपनी ऐपन बना रही है, तो थोड़ी बहुत घर वालों की हेल्प करते हैं कुछ ना कुछ, और फिर आप सभी से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइज, आज बनकट्टा में आर्टिस्ट आया है, वो हूँ मैं। तो गाइज देख सकते हैं मैंने कितना तगड़ा लिखा है यार। सो गाइज, ये हैप्पी दिवाली विराट ने लिखा था, जैसा कि आपको ब्लॉग में बता दिया होगा। अब ये जो कार भार है वो हमारे अभिनव जी ने संभाला है। अब देखते हैं ये इसको कहाँ तक पहुँचाते हैं, ये अंतिम क्षणों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे लग नहीं रहा है हैप्पी दिवाली अपने अंतिम क्षणों तक पहुँच पाएगा। ये दिवाली तक लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, इसका भी मुझे कुछ भरोसा नहीं लग रहा है। तो विराट जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, इसमें एक काम हो सकता है।